सुदेव नाम के ब्राह्मण को थोड़े से सतुआ बांधे पंडित जी कम भूख लगे तई खा लियो। पंडित जी वन लेके चिड़िया चंदे और इधर बहन भाइयों बैठ हुकुम जिसका पत्र शिष्यपाल के हाथों में नाई ने जाकर के दिया था और शिष्यपाल ने जैसे ही पत्र को देखा नाई को भोजन किया करवाया और नाई को उनसे विदा कर दो और जवाब दो अपनी भाभी से, भाभी जगाओ तो काका दूल्हा बना दूल्हा। हाँ लला न कहूं से चिट्ठी आई न कहूं से टीका आओ और जो दूल्हा बने के किन के द्वार पे जाओगे तुम जनाए जानती है दूल्हा कहाँ जाओ दूल्हा ब्याह करने जाते हो तुम्हें मालूम है तो फिर करो बनाओ तो कहूं से चिट्ठी लगूं टीका कष्ट आते तो बताओ तुम्हें सब बात बताए दे क्या करें पहले तुम्हें काजल लगाना है कुछ और पूरी डिटेल लेनी है काजल। हाँ तो लला बहुत दिन पहले से मट्टी के तेलों को पारे काजल लगा लो बहुत दिन जवाब दो सुनो भाभी काजल लागी तेन और भूप के नीन दिखाई रही बट्टा सुनो और कछु ठाड़ी खाई रही तरे मचाई रही बिटिया भाभी कान लगी जो देवर वेवर नाए बवाल तो पूरो ही बवाल अब जा इतनो मालूम नाए कौन से दरवाजे पे कोई आओ और जो ब्याह करने जाते हो अरे बोलो तो सही तब तो उन्होंने पूरा परिचय दिया और जवाब दिया साथ विवाह करने जा रहे हो उनके बारे में तुम्हें मालूम नहीं होगा मेरे बहन भाइयों उसी के साथ ही साथ जवाब दिया सुनो तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है केवल काजल लगा दीजिए और काजल लगा दो दूल्हा बना दो
وشارو تربت بھئیا فوج سجل لگی دنت بکر جرا سندھ سسپال کشن وچارو طرف سے تیار ہوئی او جب چارو طرف سے تیار ہوئی ائی او بھائی سمے بھئیا او جب نمبر آو بڑے بڑے بہادر سج کے تیار ہوئی ائی او برائے تے جب چلے وے کو تیار ہوئی ائی تیار ہوئی ائی او تب تک بہو کا پھر بھابی نے سمجھاؤ للا دیکھو ہم تمہیں پھرو سمجھا رہے ہیں ابے او بات مان لو ابائی کچھ بنو بغیر ہونا ماں من جا او تمہیں نہ معلوم سنو آہ